राजपूत के कथित आत्महत्या मामले को 4 महीने हो गए हैं, लेकिन ये केस आज भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। एक ओर उनके परिवार वाले न्याय की लगातार गुहार लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर उनके चाहने वाले हर दूसरे दिन सोशल मीडिया पर न्याय की मुहिम छेड़ते दिखाई दे जाते हैं। सुशांत सिंह मामले में ईडी, सीबीआई और एनसीबी जैसी कई बड़ी एजेंसियां शामिल हुई, लेकिन इसके बावजूद 14 जून के उस मनहूस दिन का सच अब तक दुनिया के सामने नहीं आ सका है कि आखिर बॉलीवुड के उभरते सितारे सुशांत के साथ हुआ क्या था। ऐसे में देश के गृह मंत्री अमित शाह का इस पूरे मामले पर बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठ रहे थे, ऐसे में सुशांत केस की जांच सही तरीके से होनी ही चाहिए। हालांकि हमने सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं की, राज्य सरकार को लगा, परिजनों को लगा, तो हमने सीबीआई जांच की मंजूरी दी। सुशांत की जगह कोई भी हो, उसकी न्यायिक जांच होनी ही चाहिए। सीबीआई की जांच में सब साफ हो जाएगा। मैं अभी कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। बताते चले कि ये बयान अमित शाह ने एक न्यूज चैनल से इंटरव्यू के दौरान दिया। जैसा कि सभी जानते हैं, इस केस को लेकर आम जनता से लेकर बड़े बड़े नेताओं और पत्रकारों तक ने सीबीआई जांच की वकालत की थी, जिसे लेकर सुशांत के परिवार का कहना था कि इस मामले में लोग राजनीति कर रहे हैं। वहीं इस केस की मुख्य आरोपी के रूप में देखी गई रिया चक्रवर्ती का कहना था कि इस केस में मीडिया ट्रायल हो रहा है। ऐसे में जब अमित शाह से इस बारे में पूछा गया कि बिहार चुनाव के लिए क्या सुशांत सिंह का केस एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिस पर अमित शाह कहते नजर आए कि उन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं है कि ये बिहार चुनाव के लिए बड़ा मुद्दा है या नहीं, लेकिन ये मुद्दा संदेशपद जरूर था, जिसकी जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है। यही नहीं, सबसे चौंकाने वाला बयान अमित शाह का मीडिया ट्रायल पर रहा। उनका कहना है कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन ऐसी किसी भी घटना का मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। मीडिया का काम है कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसे दिखाए, लेकिन टीआरपी के लिए किसी घटना को बढ़ाना सही नहीं है। अब यहाँ आपको बताते हैं कि उन्होंने टीआरपी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया होगा। दरअसल कुछ दिनों पहले ही दो बड़े न्यूज चैनलों रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ पर फर्जी तरीके से टीआरपी बटोरने और बॉलीवुड के खिलाफ अपशब्द कहने का आरोप लगा है, जिसे लेकर कथित तौर पर कई फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस ने इन चैनलों के खिलाफ सिविल केस फाइल कराया है। हो ना हो, अमित शाह द्वारा टीआरपी वाली बात भी इसी मसले से जुड़ी हो सकती है। ऐसे में देखा जाए तो अमित शाह ने भी अपने बयान से ये साफ कर दिया है कि न्यूज चैनलों द्वारा टीआरपी के लिए की गई इस तरह की हरकतों से उन्हें भी आपत्ति है। वैसे अमित शाह के पूरे बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।